नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीवाल। हमारी खास पेशकश हफ्तावाल में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के आसपास की हफ्ते भर की खास खबरों पर। हफ्तावाल के इस अंक में बात करेंगे बिलासपुर में हवाई सुविधा की शुरुआत को लेकर हुए ऐलान और जन आंदोलन की चर्चा को लेकर। नए जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुए अरपा महोत्सव और अरपा के उद्गम को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी बात होगी। इसके साथ ही तखतपुर इलाके में क्रिकेट पॉलिटिक्स को लेकर भी बात करेंगे। आइए चलते हैं इस हफ्ते की खबरों की ओर। दीवारों पर टंगे कैलेंडर में जो हफ्ता चल रहा था, यह उसी हफ्ते की बात है। इधर न्यायधानी में हवाई सेवा को लेकर 250 से अधिक दिनों से धरना चल रहा था। उधर देश की राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आंदोलनजीवी परजीवी को नई जमात कहे जाने पर बहस चल रही थी। और इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे थे कि उन्हें बताया गया है कि बिलासपुर को हवाई सेवा से कनेक्ट करने के लिए कोई आंदोलन चल रहा है। हरदीप सिंह पुरी यह भी बोले कि मैं समझता नहीं कि आंदोलन क्यों चल रहा है, हमने तो कह दिया था कि हम बिलासपुर को लिंक करेंगे। फिर उन्होंने आने वाले मार्च महीने की पहली तारीख से बिलासपुर से एयर सर्विस शुरू करने का ऐलान भी किया। बरसों से हवाई सेवा की बाट जो रहे बिलासपुर वासियों के लिए यह खबर सुखद रही कि अब वे अपने आसमान के ऊपर भी हवाई जहाज उड़ते हुए देख सकेंगे। लेकिन जिस तरह आंदोलनजीवी परजीवी की नई जमात कहे जाने के बाद देश भर में प्रतिक्रिया हुई, कुछ उसी तरह का रिएक्शन हरदीप पुरी के बिलासपुर आंदोलन को लेकर कई बातों से भी हुआ है। लोगों को बीजेपी के सर्वमान्य नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का एक और बहाना मिल गया। लोग अभी भी नहीं भूले हैं कि अटल जी ने रेलवे जोन की मांग को लेकर बिलासपुर में चले लंबे आंदोलन को सम्मान दिया। उन्होंने कभी भी उस जन आंदोलन को लेकर हैरत नहीं जताई। अलबत्ता बिलासपुर के जन आंदोलन और यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खुद को जोड़कर रेलवे जोन की मांग को अपनी मांग के रूप में सार्वजनिक रूप से स्थापित कर दिया था। फिर सत्ता में आने के बाद खुद बिलासपुर में रेलवे जोन बनाने का ऐलान किया। न्यायधानी के लोग बेहतर जानते हैं कि अपनी जरूरतों के लिए उन्होंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी और उसे हासिल भी किया। अपनी मांगों को लेकर यहाँ के लोगों ने अपने ही वोट से चुने हुए नुमाइंदों को जगाया भी है। बिलासपुर शहर की इस तासीर को कम से कम मध्य भारत और छत्तीसगढ़ में सभी लोग पहचानते और महसूस भी करते हैं। अगर अपनी लड़ाई बिलासपुर की जनता खुद लड़ती है तो श्रेय की लड़ाई का कहीं सवाल ही नहीं उठता। इस शहर के लोगों के दिमाग में यह सवाल कभी नहीं उठता कि किसने हमें क्या दिया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमें जो चाहिए हम वह अपने बूते ही हासिल कर सकते हैं। ऐसे में हरदीप पुरी के बयान पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही सुनने को मिल रही है कि सरकार आंदोलन को तवज्जो दे या न दे, लेकिन मांग पूरी करने का ऐलान करते समय आंदोलन का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। अंत भला तो सब भला की तर्ज पर बिलासपुर से एयर सर्विस शुरू करने का ऐलान हो चुका है। अब अगर कोई यह कहे कि आंदोलन की जरूरत नहीं थी, तो पलट कर बिलासपुर वाले यह तो पूछ ही सकते हैं कि इतने दिनों तक हवाई सेवा के मामले में बिलासपुर क्यों उपेक्षित रहा, क्यों इसे लेकर संजीदगी से पहल नहीं की गई और हम उड़ान के लिए तरसते रहे। अब किसी भी पद पर बैठा हुआ शख्स अगर इसे माने या न माने, लेकिन बिलासपुर वासी तो जानते ही हैं कि आंदोलन नहीं होता तो इस बार भी उड़ान की तारीख के ऐलान तक बात नहीं पहुंचती। यही वजह है कि अपने पुराने तजुर्बे को याद करते हुए बिलासपुर के हवाई जन सुविधा जन संघर्ष समिति ने अपना टेंट अभी भी नहीं उखाड़ा है और पहली उड़ान शुरू होते तक बिलासपुर में अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। न्यायधानी के बीचों बीच बहने वाली अरपा नदी को हम अंतः सलीला भी कहते हैं। यह मानकर अंतः सलीला का नाम दिया गया है कि यह नदी सतह के नीचे बहती है।
शायद इस नाम के अनुरूप ही अरपा को लेकर कोई भी विवाद सतह के नीचे ही चलता रहता है, लेकिन कभी कभी यह सतह के ऊपर भी दिख जाता है। पिछले हफ्ते नए जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही की पहली सालगिरह पर आयोजित अरपा महोत्सव के दौरान भी कुछ ऐसा ही सतह पर नजर आया। बरसों से यह माना जाता है कि अरपा का उद्गम स्थल पेंड्रा के नजदीक अमरपुर में है। यही सोचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए जिले की स्थापना के समय अरपा महोत्सव कराने का ऐलान किया था। इस साल में अरपा महोत्सव में शिरकत करने भी आए। इस जलसे के दौरान बड़ा मेला लगा और कई कल्चरल कार्यक्रम हुए। इसी हफ्ते खोडरी में भी 2 दिन का मेला लगाया गया। आयोजकों का मानना है कि अरपा का उद्गम स्थल खोडरी में है, इसे देखते हुए उन्होंने खोडरी में जलसा रखा। दिलचस्प बात यह भी है कि पेंड्रा के अरपा महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और खोडरी के जलसे में सीएम के नजदीकी और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन शामिल हुए। दोनों जगह जलसा अपने अपने हिसाब से हुआ, दोनों जगह के लोगों ने इसका आनंद लिया, लेकिन एक हफ्ते के भीतर 2 जगहों पर अरपा के उद्गम स्थल बताते हुए आयोजित किए गए 2 अलग अलग कार्यक्रमों ने इस सवाल की पैदाइश तो जरूर कर दी है कि अरपा का सही में उद्गम स्थल कौन सा है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने अपने कार्यक्रम में जोर देकर यह बात कही कि हमारे पुरखों ने जहां बताया है वहीं अरपा का उद्गम स्थल है, लेकिन दूसरी तरफ खोडरी के आयोजकों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड, भौगोलिक स्थिति आदि के हिसाब से खोडरी के पास ही अरपा का उद्गम स्थल है। ऐसी हालत में हालांकि अंतः सलीला अरपा के किनारे बसे बिलासपुरिया लोगों की पहली चिंता यही है कि अरपा की हालत में सुधार हो और इसमें 12 महीने पानी रहे। फिर भी नदी के उद्गम स्थल को लेकर सामने पेश हो रहे 2 अलग अलग सीन लोगों की उत्सुकता तो बढ़ाते ही कि सही में उद्गम स्थल किसे माना जाए। मैदान खेल का हो या सियासत का, अच्छी टीम भी जरूरी है, खेल की प्रैक्टिस भी जरूरी है और स्कोरिंग भी जरूरी है। खेल और सियासत के इस फार्मूले को तखतपुर विधानसभा इलाके में मौजूदा विधायक रश्मि आशीष सिंह ठाकुर ने कुछ नए अंदाज में अपनाया और खेल खेल में उन्होंने अच्छी स्कोरिंग कर ली। मौका था विधायक के रूप में कार्यकाल की दूसरी सालगिरह मनाने का। आमतौर पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होते हैं, भाषणबाजी होती है और लंच डिनर के साथ जलसा सिमट जाता है, लेकिन आशीष सिंह ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए एक कुछ नए अंदाज में सालगिरह मनाई, जिसमें उन्होंने पूरे विधानसभा इलाके के 125 से अधिक गांव के नौजवानों की क्रिकेट टीम बनाकर उनके मैच कराए। मैच का आयोजन विधानसभा मुख्यालय तखतपुर में कराने की बजाय इलाके को 3 सेक्टर सकरी, काठाकोनी और बेलपान में बांटकर लीग मैच कराए गए, जिससे पूरे इलाके में करीब महीने भर तक खेल महोत्सव जैसा माहौल बना रहा। इसके बाद अलग अलग क्वार्टर फाइनल हुए, फिर तखतपुर में सेमीफाइनल और फाइनल मैच कराया गया। खेल के आखिरी दिन तखतपुर में बड़ा जलसा हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित कई दिग्गज शामिल हुए। फाइनल सेमीफाइनल मैच सहित गांव-गांव में हुए क्रिकेट मैच के दौरान बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी, खासकर नौजवानों में खासा जोत, खरोश, उत्साह नजर आया। महीने भर चले इस खेल आयोजन में करीब 1500 खिलाड़ियों की हिस्सेदारी रही, जिन्हें बैट बॉल के साथ ही यूनिफॉर्म भी बांटे गए। समापन जलसे में डॉक्टर महंत ने ठाकुर बलराम सिंह की जादुई शख्सियत को याद किया, साथ ही मौजूदा विधायक, संसदीय सचिव रश्मि सिंह की इलाके में सक्रियता और लोगों की मांगों को पूरा कराने के मामले में उनके जुझारूपन की खुलकर तारीफ की। इस आयोजन की कामयाबी से खुश होकर आशीष सिंह ने फैसला किया है कि आने वाले समय में बूथ स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ियों की नई टीम बनाई जाएगी, साथ ही तखतपुर विधानसभा क्षेत्र की 2 टीमें
बनाई जाएंगी जिन्हें टूर्नामेंट के बड़े आयोजनों में भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस तरह के आयोजन से खेल को प्रोत्साहन मिलेगा और तखतपुर इलाके से नई क्रिकेट प्रतिभाओं को सामने लाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन खेल के मैदान में झलक रही सियासत का एक एंगल यह भी है कि इस तरह के आयोजन के जरिए आशीष सिंह ने इलाके के गांव-गांव में लगातार जीवंत संपर्क बनाने के साथ ही नौजवान वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी एक बड़ा काम कर लिया है। तखतपुर इलाके में वैसे भी क्रिकेट का जुनून गांव-गांव में नजर आता है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी एक सार्वजनिक जलसे में कह चुके हैं कि वे अपने छात्र जीवन के दौरान कवर्धा से अपनी क्रिकेट टीम लेकर तखतपुर खेलने आते रहे हैं। इलाके के इस मरम को समझकर आशीष सिंह ने क्रिकेट की पिच पर सियासत की स्टंप गड़ा दी है। चुनावी राजनीति में उन्हें इसका कितना फायदा मिलेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यह दिखाई दे रहा है कि तखतपुर इलाके के मैदान पर तखतपुर इलाके के नौजवान खिलाड़ी चौका छक्का लगाते रहे और स्कोरिंग आशीष सिंह के नाम दर्ज होती रही। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल लंबे समय तक कोटा विधानसभा क्षेत्र के पर्याय रहे हैं। वे कोटा विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने गए और मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री भी रहे, साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। उनके जन्मदिन पर उनके पुराने समर्थकों ने बहरा मुड़ा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी जयंती मनाई। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की ओर से कोटा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कामों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस जलसे की एक खासियत यह भी थी कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के चिरंजीव डॉक्टर प्रदीप शुक्ला भी इसमें शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने भी अपने पिता और परिवार को कोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से मिले स्नेह और सहयोग को यादगार बताया। राजनीतिक हलकों में चर्चा रही कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद यह पहला मौका है जब उनके परिवार से किसी ने कोटा इलाके के किसी सार्वजनिक जलसे में शिरकत की है। हालांकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर ही केंद्रित था, लेकिन उनके परिवार की सक्रियता से माना जा रहा है कि अगर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में यह पहला कदम है तो आने वाले समय में कोटा इलाके की राजनीति पर इसका असर दिखाई दे तो हैरत की बात नहीं होगी। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।